चैप्टर वन सोइल ओरिजिन एंड इट्स प्रॉपर्टी। इसमें हम सोइल इंजीनियरिंग करेंगे। द फादर ऑफ सोइल इज डॉक्टर कार्ल टर्जागी कॉइन द टर्म सोइल मैकेनिक्स इन 1925। खास खास चीज़ें ही देखेंगे जो कंपटीशन लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। सोइल पार्टिकल कोर्सर देन 0.0 mm आर विजिबल टू द नेकेड आइज। ये जो साइज है 0.075 mm वो विजिबल होता है हम आँखों से देखने के लिए, इतने तक हम देख सकते हैं। स्पेसिफिक सरफेस एरिया अपॉन मास और वॉल्यूम, ठीक है। और ये पूछा जाता है अपना ये वाला। सबसे पहले क्या होता है, एग्जिस्टिंग रॉक, वेदरिंग एक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और अपहेवल। पहले तो एग्जिस्टिंग जैसे भी रॉक होगी, ठीक है, उसमें वेदरिंग एक्शन होगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी या फिर रेसिड्यू होगी तो वहीं पे रुक जाएगी, और फिर अपहेवल वहाँ से फिर उठ जाएगी, फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। और ये है इरोजन फेस। फिजिकल और केमिकल होते हैं। फिजिकल में क्या होता है, रिटेन सेम कंपोजिशन ऑफ पेरेंट रॉक। फिजिकल में क्या होता है, सेम रिटेन रहती है जो नेचुरल रॉक है, प्रेजेंट है उसी में रिटेन रहे, सेम कंपोजिशन में ही। और इसमें केमिकल मिनरोलॉजी मिनरल होते मिल जाते हैं, चेंज हो जाती है थोड़ी सी केमिकली कि चेंज इन मिनरल कंपोजिशन, जो इसके अंदर के मिनरल हैं वो चेंज हो जाएंगे इसमें। ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ESC में दीज डिपॉजिट हैव लो डेंसिटी बट हाई कंप्रेसिबिलिटी विच दे आर इन वेट फॉर्म फॉर लोएसिस द परमिटिविटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज जनरली लार्जर देन दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल बढ़िया, वर्टिकल जनरली लार्जर देन दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल। सोइल डिपॉजिट ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स इज कॉल्ड एज टॉलस और कोलिवेल। ये आ गया। वेरियस टाइप ऑफ सोइल, टाइप्स ऑफ सोइल वही एलुवियल, ब्लैक कॉटन सोइल। इसमें सिर्फ ये याद रखें अपना लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल आयरन ऑक्साइड गिव्स रेड और पिंक कलर, इज रेसिड्यू सोइल फॉर्म फ्रॉम बेसाल्ट एंड सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। लेटराइट और पीट एक ऑर्गेनिक सोइल है, ये भी याद रखें। माउंट मोरिलोनाइट ये भी फॉर्म फ्रॉम वोल्केनिक एस से प्राप्त होती है हमें, हाई परसेंटेज माउंट मोरिलोनाइट होता है इसके अंदर, ठीक है। लेथिफिकेशन को भी याद रखें। लेथिफिकेशन होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अनकंसोलिडेटेड मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू अ कोहेरेंट सॉलिड रॉक ड्यू टू कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन एक्शन। कॉम्पैक्शन के कारण जो सोइल हमारी सॉलिड रॉक से हमें प्राप्त होती है वो लेथिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। इज अ प्रोसेस बाय विच अनकंसोलिडेटेड मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू अ कोहेरेंट सॉलिड रॉक्स। फेज डायग्राम थ्री फेज डायग्राम और टू फेज डायग्राम। थ्री फेज में एयर वाटर सॉलिड हो जाएंगे, और जो एयर और वाटर होता है ये VV हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ वेट्स, ठीक है। और ये VS, तो VV प्लस VS हो जाता है टोटल वॉल्यूम। टू फेज अगर फुली सैचुरेटेड है, मतलब कम्प्लीटली सैचुरेटेड का मतलब वाटर है, तो एयर की जगह भी वाटर आ जाएगा और सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। ड्राई वाले में एयर और सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि VV के अंदर मींस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर या तो अपना वाटर आ जाएगा या फिर एयर आ जाएगी, तो सिर्फ टू फेज का हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किले होगी तो कौन सा फेज बनेगा। किले होगी तो कौन सा फेज बनेगा, वो बन जाएगा वाटर, ये वाला फुली सैचुरेटेड वाला, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट के बाद से कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है ना। इफ़ द वॉइड एब्सेंट इन ए सिस्टम इट वुड नॉट बी टर्म सोइल। अगर इफ़ द वॉइड्स एब्सेंट इन ए सिस्टम इट वुड नॉट बी टर्म एज सोइल, उसको सोइल नहीं कह सकते अगर उसमें वॉइड्स ही नहीं है तो। एग्जाम्पल ग्रेनाइट, एक्यूफ्यूज रॉक है, वाटर कंटेंट, यहाँ से टर्म्स वाटर कंटेंट
डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस, ठीक है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 100% हो सकती है, शुड बी ग्रेटर देन 0% और कोई अपर लिमिट नहीं है, तो ये 100% से भी ऊपर हो सकता है। वी वी अपॉन वी एस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये भी 0 से ज़्यादा और इन्फिनिटी से कम, ये भी मतलब 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। पोर्सिटी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये 100% से कम होना चाहिए और 0 से ज़्यादा, ठीक है, हो सकता है, सॉरी होना चाहिए, हो सकता है। फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल हैविंग परफेक्टली स्फेरिकल ग्रेन साइज वन पार्टिकल आर अरेंज्ड इन प्रिस्मोडल एरे, प्रिस्मोडल एरे होगा तो ई मिनिमम मीन्स डेंसेस्ट, तो ये हो जाएगा 35%, ई की वैल्यू डेंसेस्ट में 35% होती है और एन की वैल्यू 25.9 हो जाएगी। एन का फॉर्मूला वही हो जाएगा, इसमें ई को अगर हम 0.35 रख लेंगे, 35/1+35 कर देंगे तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। और ये तो प्रिज्मोडल एरे के लिए ई मिनिमम की वैल्यू हो गई है, और क्यूबिक एरे के लिए ई मैक्स की वैल्यू 91% हो जाएगी, तब एन क्या आ जाएगा 47.6। सिमिलर ऐसे करके ये जो फॉर्मूला लगाते हैं ना, ई इज इक्वल टू एन 1 - n, या फिर n इज इक्वल टू e1+e, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ गया, चला गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाएगा s इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मीन वॉइड्स के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है, वही हो जाता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसकी रेंज भी यही होती है जो ये, हाँ, जीरो के मतलब ये तो बिल्कुल जीरो के बराबर हो सकती है, 100% के इक्वल भी हो सकता है, तभी तो फुली सैचुरेटेड और पार्शियल सैचुरेटेड भी बोल सकते हैं ना उसको। यस, ठीक है। फॉर फुली सैचुरेटेड सॉइल एट श्रिंकेज एस इज इक्वल टू 100% हो जाएगा, फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल एस इज इक्वल टू 0 से बड़ा और 100 से छोटा। फुली ड्राई के लिए एस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ड्राई सॉइल होगी तो एस की वैल्यू 0 ही हो जाएगी और फुली सैचुरेटेड के लिए 1 हो जाएगी। ये वैल्यू ना भी याद रखें तो काम चल जाएगा। एयर कंटेंट, ये अच्छा है, एयर कंटेंट जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन था ऐसे ही एयर कंटेंट है। एयर कंटेंट में वी आ जाएगा, वी वी में, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड एन ए, इसमें जो होता है परसेंटेज निकालना होता है तो टोटल वॉल्यूम लेते हैं, इसमें वी ए अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये स्पेशल पॉइंट अच्छा है, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड इज इक्वल टू पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट, अगर हम इसको सोल्व भी करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन इसे डायरेक्ट ही याद रखें तो ज़्यादा सही रहेगा कि परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड इज इक्वल टू मींस इस ये जो है इसको हम पोरोसिटी मल्टीप्लाई बाय ये ए सी अब आता है बल्क यूनिट वेट अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि ये डेंसिटी तो है, वेट अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। इसकी यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, न्यूटन पर मीटर क्यूब kgf पर सेंटीमीटर क्यूब भी होती है। यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वैल्यू ऑफ गामा डब्ल्यू चेंजेस विद टेम्परेचर, बट यूजुअली वी टेक 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, सबमर्ज और बॉयंट यूनिट वेट, ही अच्छा है। गामा सबमर्ज अपॉन, ये भूल सकते हैं बस, गामा सबमर्ज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू, गामा सेट माइनस गामा डब्लू। सबमर्ज जो नीचे मतलब फ्लोटिंग ऑन ए वाटर जो फोर्स लगता है अपवर्ड, बॉयंसी फोर्स
तभी ये सबमर्ज और पॉइंट यूनिट वेट भी बोलते हैं इसको। गामा सबमर्ज इज इक्वल टू क्या होता है, पूरा सैचुरेटेड पानी से भरा हुआ और उसमें पानी हटा दो तो बस गामा सबमर्ज बन जाएगा। सैचुरेटेड सोइल मे बी और मे नॉट बी सबमर्ज बट ए सबमर्ज सोइल विल बी ऑलवेज सैचुरेटेड। इसे छोड़ दो, काम काम की बात है, फिर याद रहो। सैचुरेटेड यूनिट भी गामा सेट, वेट ऑफ स्टैंडर्ड सोइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोइल जी, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, यूनिट लेस होता है याद रखना। जी इज इक्वल टू गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, इट इज मेजर इन 75 रो 27 डिग्री सेल्सियस बाय पिकनोमीटर, आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी और ग्रेन साइज ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी। जी 2.6 से 2.7 इन ऑर्गेनिक सॉइल और जी 1.2 से 1.4 ऑर्गेनिक सॉइल। स्पेसिफिक ग्रेविटी इन ऑर्गेनिक जो होती है वो ज़्यादा होती है और ऑर्गेनिक कम होती है। जी प्रोपोर्शनल मिनरल कंटेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट, फाइन की ज़्यादा होगी और कोर्स की कम होगी। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जी एम गामा टी अपन गामा डब्ल्यू, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ये अच्छा है, इम्पोर्टेंट है आज। रिलेटिव डेंसिटी इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेंसिटी इंडेक्स, ई मैक्स माइनस ई मिनिम ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम ई डी। जनरल यूज फॉर सैंडी एंड ग्रेवल सोइल, सैंडी एंड ग्रेवल सोइल के लिए ही निकालते हैं ये टेबल, अच्छी है याद रखें। 0 से 15 वेरी लूज, 15 से 35 लूज, 35 से 65 मीडियम डेंस, 65 से 85 डेंस, 85 से 100 वेरी डेंस। 15 35, 15 का दोगुना 30, 30 प्लस 5 35, 35 35 फिर 65 फिर 85 फिर 100, 15 35 65 85 100 वेरी लूज, लूज मीडियम डेंस, लूज होगी या फिर डेंस होगी, लूज में वेरी लूज फिर लूज फिर मीडियम डेंस फिर वेरी डेंस, इसमें 3 कैटेगरी, उसमें 2 कैटेगरी। ये सम रिलेशनशिप है, खास खास देखेंगे। जैसे कि ये हो गया गामा डी, गामा गामा ड्राई डेंसिटी निकालना हो गामा बल्क अपॉन 1 प्लस W, या फिर ये भी अच्छा है वी एस इज इक्वल टू वी अपॉन 1 प्लस E, ये वही वाला फॉर्मूला आ गया। और ए सी प्लस एस इज इक्वल टू 1, ठीक है। ई ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ई एन 1 माइनस N, ठीक। ये इस पर न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आते हैं, एस इज इक्वल टू सहवाग भी बोलते हैं इसको। गामा डी इस पर भी आते हैं न्यूमेरिकल, गामा जी जी एस गामा डब्ल्यू 1 प्लस E, जी एस मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, ये भी याद। तो जी प्लस ई ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये एक तो ये वाला गामा सेचुरेटेड वाला जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस E गामा डब्ल्यू। सबमर्ज में तो ये आ जाएगा, सबमर्ज का भी याद ही रखें डायरेक्ट ही तो ज़्यादा सही रहेगा। जी माइनस वन, यह तो यार ये जो है ना ई का ही खेल है बस, इसमें ई आ जाता है इसमें नहीं आता है बस। जी माइनस वन 1 प्लस E कामा डब्ल्यू समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक ही है ये, इसी में भी एक क्वेश्चन आया है, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू 1 प्लस W गामा डब्ल्यू अपन गामा बल्क गामा डब्ल्यू अपन गामा बल्क, ध्यान रखना। और चेंज जो है 1 अपॉन G है, ऑप्शन क्या रखता है डब्ल्यू जी 1 अपॉन G, ये प्लस लगा देगा तो यहाँ पर माइनस 1 अपॉन G याद रखें, माइनस 1 अपॉन G जी, ठीक है। और ये भी
सैचुरेटेड, बल्क ड्राई, ठीक है, और सैचुरेटेड बल्क ड्राई समर्ज, और समर्ज होती है वो हाफ ऑफ सैचुरेटेड होती है। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, गामा समर्ज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड में से यूनिट वेट ऑफ वाटर माइनस कर देते। इफ़ इन क्वेश्चन गामा इज ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर देन, बिल्कुल बढ़िया, अच्छा बेसिक क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट है। अगर हमें ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है तो यूनिट वेट वन ले लेंगे, और गामा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में दे रखा है तो गामा यूनिट वेट 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेंगे। 1000 भी लेते हैं, चलो अगला मेथड ऑफ टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट। पहला मेथड है ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग को हम मोस्ट एक्यूरेट मेथड भी मानते हैं। सोइल सैंपल इज ड्राइव इन कंट्रोल टेम्परेचर, 105 से 110 डिग्री लेते हैं 24 घंटे के लिए, और सैंड के लिए हम लेते हैं 4 से 6 घंटे। अगर ऑर्गेनिक सोइल है तो 60 से 80 डिग्री सेल्सियस लेंगे। ये टेम्परेचर पूछ सकते हैं हमें, सोइल सैंपल 105 से 110 लेते हैं, अगर ऑर्गेनिक सोइल है तो 60 से 80 डिग्री सेल्सियस लेंगे। इन लेबरेटरी अबव 110 डिग्री सेल्सियस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन विल बी लॉस्ट, अगर 110 से ज़्यादा करेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन विल बी लॉस्ट। इन इट्स फ्री वाटर कैपिलरी वाटर एब्जॉर्ब वाटर इज रिमूव एक्सेप्ट स्ट्रक्चरल वाटर, ठीक है, इन इट फ्री वाटर कैपिलरी वाटर एब्जॉर्ब वाटर इज रिमूव एक्सेप्ट स्ट्रक्चर, ये वो ये 110 से ज़्यादा लेंगे तो फ्री वाटर कैपिलरी वाटर एब्जॉर्ब वाटर रिमूव हो जाएगा, स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव नहीं होगा। सेकेंड मेथड है पिकनोमीटर मेथड, ये पूछा जाता है W2 - W1 / W3 - W4 G-1 / G-1। G-1 / G (-1) ये तो याद रखें 21/34 से, जी जहाँ भी आता है ना जी से हमेशा माइनस वन ही होता है, बस ए की जगह है जो ये वाले फॉर्मूले में अपॉन में जी आता है, बस -1/G। पिकनोमीटर मेथड फॉर डिटरमाइन ऑफ द वाटर कंटेंट कैन बी यूज ओनली इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड इज नोन, हाँ ये अच्छा कि पिकनोमीटर डिटरमाइन करते हैं वाटर कंटेंट तभी निकाल सकते हैं जब जी की वैल्यू हमें पता हो, ठीक है। इट इज़ मोर सूटेबल फॉर कोहेशन लेस मीन सैंड के लिए एज रिमूवल ऑफ एंट्रैप्ड एयर फॉर कोहेसिव सॉइल इज डिफिकल्ट, देयरफॉर W3 कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, बहुत सही। तीसरा है सैंड पाथ मेथड, इट इज़ ए रैपिड और फील्ड मेथड है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि ये फील्ड मेथड कौन सा है इनमें से, तो ये सैंड पाथ, सैंड मतलब बाहर मिलेगी तो फील्ड मेथड हो गया, रैपिड ऑफ और ये एक्यूरेट नहीं होता, सैंड पाथ इज लार्ज ओपन वेसल टैप 3 सेंटीमीटर और मोर, बस याद रखें। टोर्शन बैलेंस मॉइस्चर मीटर मेथड, इट इज़ यूजफुल फॉर रैपिड एंड एक्यूरेट बिकॉज ड्राइंग एंड वेट अकर्स साइमल्टेनियसली। टोर्शन बैलेंस में क्या होता है, सुखाना और तोलना एक साथ होता रहता है, तो टोर्शन बैलेंस मेथड इसलिए एक सही रहता है। हैंस यूजफुल फॉर सोइल विच क्विकली रीअब्जॉर्ब मॉइस्चर आफ्टर ड्राइंग, इससे वाटर कंटेंट निकाल लिया। कैल्शियम कार्बाइड क्विकेस्ट मेथड है, ये है हमारा क्विकेस्ट मेथड, सो एक्यूरेट 5 से 7 मिनट में हो जाता है। Ca(C2+2H2O) एसिटाइलिन गैस निकलती है और CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम कार्बोक्साइड हाइड्रोक्साइड। इट इज़ यूजफुल इन एम्बैकमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, बिल्कुल सही, हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता है तब एम्बैकमेंट कंस्ट्रक्शन होगा तब इसका इस्तेमाल करा जाता है। इन इट इज स्केल
इज कैलिब्रेटेड टू गिव द वाटर कंटेंट बेस्ड ऑन द टोटल वेट ऑफ द सॉइल सो एक्यूरेट एक्चुअल वाटर कंटेंट बेस्ड ऑन सॉइल सॉलिड इज सो रिकैलकुलेटेड। अरे कुछ नहीं काम का, बस ये याद रखना और मोस्ट एक्यूरेट होता है, बस नाम ही याद रखना जरूरी है। एल्कोहल मेथड, एल्कोहल मेथड क्विक फील्ड मेथड है बस। और इट, हाँ ये वाला भी कि इट इज़ नॉट यूज फॉर कैल्शियम कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंटेंट, ये अच्छा है। एल्कोहल को कहाँ डालोगे कैल्शियम में और दिमाग हो जाएगा परेशान, ऑर्गेनिक में भी नहीं ला सकते। ऐसे देखो कि एल्कोहल वैसे नुकसानदेह वाली होती है, कैल्शियम कंपाउंड और ऑर्गेनिक के लिए हार्मफुल होगी। रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड लास्ट मेथड है। इट गिव्स द वाटर कंटेंट इन इन सेतु, मतलब साइट पर ही करते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी, छोड़ दो बस। अब आता है डिटरमिनेशन ऑफ यूनिट वेट, पूछ लिया जाता है यार ये कौन कौन से मेथड है। इसके तो मेथड के नाम ही याद रखो बस। पहला कोर कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, वाटर बैलून मेथड और रेडिएशन मेथड। रेडिएशन इसमें भी होता है उसमें भी होता है, रेडिएशन तो आएगा नहीं, भूल जाओ। वाटर बैलून को याद रखो, वाटर डिस्प्लेसमेंट को याद रखो, सैंड रिप्लेसमेंट को याद रखो, रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जैसे हो रहे हैं ना इनको याद रखो, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं थे। ओवन ड्राइंग सबसे ये मोस्ट एक्यूरेट ये हो गया, पिकनोमीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल लेते हैं इससे और वाटर कंटेंट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। सैंड बाथ मेथड हो गया, टोर्शन बैलेंस मॉइस्चर मीटर मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, एल्कोहल मेथड, रेडिएशन मेथड, ठीक है। अब आता है कोर कटर को, इट फील्ड मेथड है, ठीक है। और ये सॉफ्ट फाइन के लिए यूज़ करते हैं, नॉट सूटेबल फॉर ग्रेवल्स, ठीक है। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड फील्ड मेथड है, ये भी फील्ड, ठीक है। तो लैब का है कौन सा, ये है वाटर, शायद वाटर डिस्प्लेसमेंट, वाटर डिस, इट इज़ सूटेबल फॉर कोहेसिव, ये हो सकता है ये। अरे सारे कोहेसिव के लिए हैं क्या, सूटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल, ओनली पैराफिन वैक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। वाटर बैलून, इट्स वॉल्यूम पिट इज मेजर्ड बाय द कवरिंग द पिट विद ए प्लास्टिक शीट एंड देन फिल, इसमें क्या करते हैं एक गड्ढा खोदा है उसमें एक मतलब शीट बिछा ली उसमें गड्ढे में, और वो गड्ढे में जितनी मिट्टी आएगी उसको देख लेंगे, पिट विद ए प्लास्टिक शीट देन फिलिंग इट विद वाटर, उसको उसे पानी से भर देते हैं। देन द वेट ऑफ द वाटर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सोइल एक्सकवेटेड, ठीक है। उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे पानी का तो पता चल जाएगा कितना पानी उसमें डाल रहा है, तो उसके हमें वो क्या नाम यूनिट वेट पता चल जाएगा। रेडिएशन क्विक कन्वीनियंट यूज फॉर बल्की डेंसिटी ऑफ सेतु सोइल हो गया चैप्टर वन, 23 मिनट में चैप्टर वन हो गया और क्या लोगे, बस इसे रिटेन करते रहो देखते रहो। इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, सबसे पहले कोर्स सीव एनालिसिस, पहले ये पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी विच हेल्प टू एक्सेस द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, छोड़ दो। इंडेक्स प्रॉपर्टी होती क्या क्या है, शीयर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिबिलिटी एक्सेट्रा, एंड विच हेल्प इन डिटरमाइनिंग इट्स क्लासिफिकेशन एक्यूरेटली आर टर्म एज इंडेक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल इंडेक्स प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन ग्रेन के साइज पर, शेप पर, रिलेटिव डेंसिटी पर। फाइन सॉइल क्या होती है, इंडेक्स प्रॉपर्टी डिपेंड करती है अपॉन एटरबर्ग लिमिट एंड कंसिस्टेंसी पर, ठीक है। तो सीव एनालिसिस कोर्स सीव एनालिसिस, इट इज ड्राई एनालिसिस, इट इज़ यूज फॉर ग्रेवल ऑब्वियसली। इन इट फोर सीव होते हैं, 80 की, 20 की, 10 की, 4.75 एमएम की, याद रखने वाली 4.75, 80, 20, 10, फाइन सीव एनालिसिस। इट कैन बी ड्राई और वेट एनालिसिस, इट इज़ यूज फॉर सैंड ड्राई एनालिसिस, इफ द साइज इज लेस देन 75 माइक्रोन देन वेट एनालिसिस इज यूज्ड, बहुत सही।
एंड इट सेवन सीव्स होती हैं, दो की, एक की 600 माइक्रोन की, 425 माइक्रोन की, 212 माइक्रोन की, 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन की। अकॉर्डिंग टू IS 1498 1970 द सी वर्ड डेजिग्नेटेड बाई द साइज ऑफ स्क्वायर ओपनिंग इन एम और माइक्रोन। ये पूछा जाएगा इसका आईएस कोड, ये भी याद रखना, ग्रेन साइज एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं, D60 क्या होता है, जिसके पार्टिकल 60% माइक्रोन से कम हो वो 60, साइज ऑफ पार्टिकल सच दैट 60% ऑफ पार्टिकल आर फाइनर देन द, जिसको कोई छल नहीं है उससे अगर 60% हमारा पास हो जाता है तो वो D60 हो जाएगा। D10 इफेक्टिव साइज बोलते हैं, ऐसे यही कोई पार्टिकल 10% पास हो जाएगा तो उसको वो कहेंगे इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल विच आर प्रेजेंट अलोन विच कोज द सेम इफेक्ट। डेफिनेशन पे मत जाओ, D60 ज़्यादा बड़ा, T30 बड़ा, फिर T10, ठीक है ये आ जाता है इसका ग्राफ। कोर्स 75 पे तो के बाद तो फाइन हो गया, जैसे ये फाइन है 75 कोर्स, इसी में देखते हैं। ए और बी सिमिलरली ग्रेडेड या वेल ग्रेडेड, तो ए है, इसमें सभी टाइप के पार्टिकल है, कोर्स और फाइनल सभी हैं, ठीक है। सी जो है पुअर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड या ए के टाइप के पार्टिकल मिलेंगे। डी जिसमें ये डी जो है इसकी पहचान ये है, जिसमें ऐसे ऐसे बनेगा, मतलब सिर्फ गैप, मतलब गैप हो गया गैप ग्रेडेड। पोअरली ग्रेडेड ई भी पोअरली ग्रेडेड है, खास याद रखें। इफ देयर इज अ अब्रप्टली चेंज इन द ग्राफ देन इट शोज द मिक्सचर ऑफ सॉइल ऑफ टू डिफरेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, बोल्डर कोबल ग्रेवल सैंड सिल्ट क्ले कोलाइडल पार्टिकल साइज। बोल्डर कोबल और कोलाइडल में कंफ्यूज नहीं होना, कोबल बोल्डर के बाद, कोबल बड़े पत्थर, बोल्डर भी उससे भी बड़े पत्थर, ग्रेवल तो है ही पत्थर, सैंड सिल्ट क्ले कोलाइडल पार्टिकल महीन पत्थर बहुत, ये आ जाता है। सी यू D60/D10 सी सी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, D30 का स्क्वायर D60/D10, ठीक है। इसमें फोर ग्रेवल के लिए, ग्रेवल के लिए सी यू की वैल्यू 4 से ज़्यादा होगी तो वेल ग्रेडेड होगा, और सैंड के लिए सी यू इज इक्वल टू ग्रेटर देन 6, ठीक है, और सी सी की वैल्यू 1 और 3 के बीच। ए यूनिफॉर्म सॉइल हैज़ लेस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देन ए नॉन यूनिफॉर्म सॉइल। सेडिमेंटेशन एनालिसिस बेस्ड, हाँ सेडिमेंटेशन एनालिसिस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टॉक लॉ, स्टॉक लॉ ये फॉर्मूला याद रखें, गामा माइनस गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 16 म्यू। वी टर्मिनल वेलोसिटी, वी टी जो है टर्मिनल वेलोसिटी अगर निकालनी हो, डी इज द डायमीटर ऑफ द ग्रेन। स्टॉक लॉ वैलिड, ये अच्छा है पॉइंट, स्टॉक लॉ जो वैलिड होता है फॉर द रेंज ऑफ द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल 0.2 mm से लेके 0.002 mm तक, 2 mm या 2 माइक्रोन कह सकते हैं, 0.2 mm से लेके 0.0002 mm तक। इफ़ द पार्टिकल साइज इज स्मॉलर देन 0.0002 mm या 2 माइक्रोन याद रखें, देन ब्राउनियन मोशन विल अकर। इसलिए एक तो ब्राउनियन मोशन हो जाएगा इसलिए नहीं यूज़ करते, फिर इफ़ द पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 0.02 तो टर्बुलेंट मोशन हो जाएगा, टर्बुलेंट वही FM वाला, मतलब zigzag मोशन होने लगेगा। H/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D² हाइट थ्रू विच पार्टिकल फॉल्स इन T सेकेंड,
ये आ जाता है डी वन अपन डी टू, डी टू ऐसे कुछ याद रखने की जरूरत ना। पिपेट मेथड ये आ गया, पिपेट मेथड हाइड्रोमीटर मेथड बोथ फॉलो द सेम प्रिंसिपल ठीक है, बट डिफरेंट इन टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। कोई जब टेकिंग सैंपल लेंगे मतलब कोई रीडिंग लेंगे तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल अलग है, वरना वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल तो सेम है सॉरी, ऑब्जर्वेशन जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि किसी की रीडिंग लेने का हाइड्रोमीटर मेथड, हाइड्रोमीटर इज यूज विच इज़ यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड हाइड्रोमीटर। सेवन ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्लस 3 ग्राम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट 1 लीटर वाटर डिस्पर्सिंग एजेंट सॉल्यूशन इसको रहने दो, ये आ जाता है। डी फ्लोटिंग एजेंट डिस्पर्सिंग एजेंट ऑलवेज नेगेटिव, ये तो सुनने में ही डी फ्लोटिंग है, तो डी फ्लक्चुलेटिंग डिस्पर्सिंग एजेंट जो होता है मिनिस्कस ऑलवेज पॉजिटिव। टेम्परेचर मोर देन 27 इट्स पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। ओवरऑल ऐसा हो जाएगा सी इज इक्वल टू मिनिस्कस प्लस प्लस सी डी वाला माइनस टेम्परेचर का प्लस या माइनस, ठीक है। कंसिस्टेंसी लिमिट इट इज़ अ रिलेटिव इज विद विच ए सोइल कैन बी डिफॉर्म एटॉमिक क्लासिफाइड। 4 स्टेज होती हैं सॉलिड सेमी सॉलिड प्लास्टिक और लिक्विड स्टेट, याद रखें लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट होती है, कुछ नहीं। नेचुरल अकरिंग वाटर कंटेंट इन सोइल इज जनरली बिटवीन लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट, कुछ नहीं। हाँ लिक्विड लिमिट आ गया। मिनिमम वाटर कॉन्स्टेंट एट विद द सोइल हैज टेंडेंसी टू फ्लो, वही टेंडेंसी टू फ्लो तो होगा ही, जब लिक्विड लिक्विड ज़्यादा हो जाएगा तो टेंडेंसी टू फ्लो होगा। इस पर नेग्लिजिबल शेयर स्ट्रेंथ रहती है 1.7 kN पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड आउट टू टूल्स होते हैं कैसे ग्रांडे और कौन पेनिट्रेशन, ये अच्छा पॉइंट है कि दो पॉइंट कैसे ग्रांडे और कौन पेनिट्रेशन, ये घुमाया इसे घुमाते हैं ये टक्ट पहले मतलब एक हमने क्ले रखी और इसको इसके ही उससे इसमें एक ग्रूव होता है, ग्रूव से थोड़ा सा छील लिया और फिर टक टक जितने पर मिल जाएगी वही हमारी लिक्विड लिमिट हो जाएगी। ये ग्राफ होता है वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ फ्लोस के बीच का और इसी को ही फ्लो कर्व कहते हैं। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द वाटर कंटेंट एंड द नंबर ऑफ फ्लोस इज नोन एज फ्लो कर्व। लॉग 10 एन 1 लॉग 10 25 लॉग 25 पे ही हम इसकी लिक्विड लिमिट को ऑब्जर्व करते हैं सर। हाँ ये चीज़ एक ये रबर ब्लॉक होता है, प्रूफ होता है राइज एंड फॉल मैकेनिज्म सैंपल हैंडल, ठीक है। देखते हैं इसमें वो क्वेश्चन है नहीं है हार्ड वाला। वैसे सोइल अबाउट 120 ग्राम ऑफ एन एयर ड्राइड सैंपल पासिंग थ्रू ए 4.25 माइक्रोन आईएससी इज टेकन इन ए डिश एंड मिक्स विद डिस्टिल वाटर टू फॉर्म ए यूनिफॉर्म पेस्ट। पेस्ट बना लिया वाटर कंटेंट 25 ब्लोज द ग्रूव लेंथ 12 mm विड्थ एट बॉटम 2 mm विड्थ एट टॉप 12 mm लेंथ 12 mm की होती है जो ग्रूव होता है, विड्थ उसकी बॉटम पे 2 mm की होती है, विड्थ एट टॉप 12 mm की होती है, बहुत सही। कट इन सोइल सैंपल प्लेस इन कैसे ग्रांडे बाउल इज कॉल्ड एज लिक्विड लिमिट। 25 ब्लोज पर लेते हैं। If the material of base of Casa Grande liquid limit device on which the cup containing soil base drop is softer than standard hard rubber, then the liquid limit of soil always decreases. था वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लिक्विड डिवाइस ऑन विच द कप कंटेनिंग सोइल बेस ड्रॉप इज सॉफ्टर देन द हार्ड रबर देन द लिक्विड लिमिट इंक्रीज। वही पूछ कह रहा है कि अगर हमारी जो रबर है
अभी तो ठीक है, नेचुरल वाली से जो जो अब है उससे ज़्यादा सॉफ्ट कर दी, तो वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट पे सॉरी क्या अंतर आएगा? तो लिक्विड लिमिट जो है हमारी बढ़ जाएगी, अब जितनी सॉफ्ट होगी तो उतने ही स्ट्रोक ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब लिक्विड लिमिट हमारी बढ़ रही है, स्ट्रोक ज़्यादा आ रहे तो लिक्विड लिमिट ज़्यादा आ रही है, जितनी सॉफ्टर होती रहेगी उतनी ही लिक्विड लिमिट बढ़ती रहेगी। बस फ्लो इसे कितने मिनट की हो गई, 40 मिनट की रखते हैं वीडियो को, ज़्यादा लंबी देखी भी नहीं जाती। स्लो ऑफ फ्लो कर्व इस कॉर्डलेस फ्लो इंडेक्स, स्लो ऑफ फ्लो कर्व को ही फ्लो इंडेक्स कहते हैं। फ्लो इंडेक्स क्या था? स्लोप ऑफ फ्लो कर्व, ये था फ्लो कर्व। फ्लो कर्व क्या है? वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ फ्लो के बीच के का ग्राफ। ठीक, लार्ज शेयरिंग स्ट्रेंथ मोर फ्लो इंडेक्स, ये कुछ नहीं ये आ जाता है। आई एफ क्या होता है? W1 - W2 मीन्स फ्लो इंडेक्स, कन्फ्यूज नहीं होना है, फ्लो इंडेक्स, फ्लो का जो है इंडेक्स तैयार कर रहे हैं। तो W1 - W2 इसमें आगे लोग N2 - N1 ये याद रखना। IF ये भी है, ये याद रखो, या फिर ये याद रखो, W1 - W2 अपॉन में लोग N2 - N1, ये ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है। फ्लो इंडेक्स जो 1/ शेयर स्ट्रेंथ, जितनी शेयर स्ट्रेंथ बढ़ेगी फ्लो इंडेक्स उतना ही कम होता रहेगा। शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड, अगर फ्लो इंडेक्स मीन्स वाटर को दर्शा रहा है, पानी को दर्शा रहा है, स्ट्रेंथ वाटर जितना बढ़ेगा स्ट्रेंथ थोड़ी घटती रहेगी। बस याद रखें प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक मिनिमम वाटर कंटेंट विद द सोइल इज इन प्लास्टिक स्टेट। ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ एट द प्लास्टिक लिमिट इज अबाउट 100 times एट दैट ऑफ लिक्विड लिमिट। ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ जो होती है प्लास्टिक लिमिट में 100 गुना ज़्यादा होती है लिक्विड लिमिट में, वो तो होगी 100 गुना, याद रखें। एट प्लास्टिक लिमिट सोइल विच, हाँ ये अच्छा पॉइंट है, प्लास्टिक लिमिट में 3 mm के जो थ्रेड बनाते हैं डज नॉट शो एनी क्रैक ऑन द सरफेस, इट स्टार्ट टू क्रम्बल। श्रिंकेज लिमिट, इसमें एक पॉइंट याद रखना, मिनिमम वाटर कंटेंट होता है जिस पर कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आता इसके बाद के बाद। एट विच द सोइल इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड ओवर द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच द फर्दर रिडक्शन इन द वॉल्यूम कंटेंट डज नॉट कॉज एनी डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सोइल सैंपल। मतलब जैसे कि ये है अपना, ये है, ठीक है, इसके बाद कोई वॉल्यूम चेंज आ रहा है? कोई वॉल्यूम चेंज नहीं आ रहा। कितना ही वाटर कंटेंट कम कर लो, वाटर कंटेंट कम करा लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, ये है इसका मतलब। एट द श्रिंकेज लिमिट एज इक्वल टू 1 देयर आर 2 phases सोइल एंड वाटर। ठीक है, सी वॉल्यूम चेंजेस, हाँ ओरिजिनल सैचुरेटेड सोइल, सोइल एट श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, ड्राई सोइल कोई वाटर में कोई चेंज नहीं, ये मतलब चाहे एयर हो वाटर हो कोई भी कुछ भी होगा वो कोई चेंज नहीं होगा। प्लास्टिक इंडेक्स, ठीक है, प्लास्टिक इंडेक्स डबल लिक्विड माइनस प्लास्टिक लिमिट, सोइल विद लार्ज IP एंड लिक्विड लिमिट, लार्ज तो प्लास्टिक लिमिट होगा और लिक्विड लिमिट होगा फैट के लिए कहेंगे, और सोइल विद लो IP एंड लो लिक्विड लिमिट देन द लीन के लिए फैट के लिए और लीन के लिए में और भी पतली तो लो ही होगा। ठीक है, इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स कम आउट नेगेटिव दैन इट विल कंसिडर 0। ठीक है, सैंड और ग्रेवल मानते हैं IP की वैल्यू अगर 0 होगी तो नॉन प्लास्टिक भी कह सकते हैं, इसको याद रखो यार, 0 होगी तो नॉन प्लास्टिक, 7 से कम होगी तो लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक और हाई प्लास्टिक, LML आती थी ना एक गाड़ी ऐसी, याद रखो LMH, लो मीडियम हाई नॉन प्लास्टिक, ये तो सैंड हो जाएगी, हाई प्लास्टिक के लिए हो जाएगी। ठीक है, इफ़ वी एड क्ले पार्टिकल इन ग्रेवल, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम क्ले पार्टिकल इन ग्रेवल, क्ले का पार्टिकल ग्रेवल में मिलाएंगे, ये सैंड में मिलाएंगे, कोर्स देन द लिक्विड एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सोइल पार्शली इंक्रीज कर जाएगी। लो प्लास्टिक सोइल इज़ यूज फॉर एम्बैकमेंट बिकॉज इट इज़ ईजी टू कॉम्पैक्ट। कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ये अच्छे हैं, इससे न्यूमेरिकल काफ़ी बनते हैं।
कंसिस्टेंसी लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर नेचुरल अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, ये तो आई पी हो गया। ऊपर क्या आएगा, कंसिस्टेंसी है तो लिक्विड लिमिट माइनस का नेचुरल, लिक्विड लिमिट में नेचुरल माइनस डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, ये तो आई पी है ही। ये टेबल अच्छी है याद रखना। चलो जी कितना है इसे, इसे पूरा ही कर लेते हैं। टेबल वेरी स्टिफ, स्टिफ मीडियम स्टिफ, सॉफ्ट वेरी सॉफ्ट और लिक्विड स्टिफ। आई सी और आई एल दोनों मिला के एक होते हैं, तो या तो इसे याद रख लो या इसे याद रख लो। तो इसे याद रख लेते हैं, सी सी को, पहला सी आता है ना अल्फाबेट में। वेरी स्टिफ होगी तो ग्रेटर देन वन होगी, ठीक है। स्टिफ खाली स्टिफ होगी तो एक और पिछहत्तर कम होता जा रहा है, यो स्टिफ एक और से लेकर 0.75 तक, मीडियम के लिए 0.75 से 0.5 तक, सॉफ्ट के लिए 0.5 से 0.25 से, वेरी सॉफ्ट के लिए 0.25 से जीरो और लिक्विड के लिए लेस देन जीरो, ठीक। टफनेस इंडेक्स अच्छा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इंडिकेट द लॉस ऑफ द शेयर स्ट्रेंथ विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट। इट इंडिकेट द लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ विद इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सोइल एट प्लास्टिक लिमिट, ठीक। आई पी अपॉन आई एफ, आई पी क्या था हमारा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन आई एफ फ्लो इन, ये आई एफ हमारा फ्लो इंडेक्स था, आई एफ ये हमने ऊपर पढ़ा है, आई एफ फ्लो इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। लोग एस पी अपॉन एस एफ शेयर स्ट्रेंथ प्लास्टिक शेयर स्ट्रेंथ लिक्विड में, ठीक है। थिक्सोट्रोपी रीगेन ऑफ लॉस जो हमारी कहीं से उठा कर लाए हम सोइल को, ठीक है, और हमने कहीं पर रख दी तो उसकी स्ट्रेंथ में छेड़छाड़ हो गई, तो वो जब पड़ी रहेगी तो अपने आप जो स्ट्रेंथ वो गेन करेगी। तभी तो हम कहीं पर मिट्टी डाल देते हैं तो उसे पड़ा रहने देते हैं कुछ टाइम कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो वो खुद ब खुद अपनी स्ट्रेंथ बनाने लगती है, रीअरेंज करने लगती है अपने आप को, तो स्ट्रेंथ आने लगती है, उसको भी थिक्सोट्रोपी कहते हैं। ड्यूरिंग पाइल ड्राइविंग इन ए क्ले सोइल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बाय सोइल इंक्रीज ड्यू टू, अरे छोड़ो उसको, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी अनडिस्टर्ब अपॉन डिस्टर्ब, ऊपर आएगा अनडिस्टर्ब नीचे आएगा डिस्टर्ब, जो ऊपर बैठता है वो चाहता क्या है, वो अनडिस्टर्ब होना रहना चाहता है, बस याद रखो इसे। हाँ स्पेशल स्टिफ क्ले हैविंग फिशर एंड क्रैक हैव लेस देन वन, ये आ जाता है कि स्टिफ क्ले हैविंग फिशर एंड क्रैक हैव एस टी इज लेस देन वन, ठीक है, ये भी याद रहना है। सेंसिटिविटी ग्रेटर देन, ये 64 होगा आई थिंक, 64 जन 16, एक तो इनसेंसिटिव, दो से चार नॉर्मल, 4 से 8 सेंसिटिव, 8 से 16 एक्स्ट्रा और ग्रेटर देन 16 क्विक सैंड, क्विक का मतलब क्विक सैंड है। इनसेंसिटिव नॉर्मल सेंसिटिव एक्स्ट्रा क्विक। एक्टिविटी नंबर, एक्टिविटी रेशियो आई पी अपॉन परसेंटेज ऑफ फाइनल लेस देन 2 माइक्रोन, 0.75 से इनएक्टिव नॉर्मल और एक्टिव, 75 से 125, 1.25 ग्रेटर देन 1.25 डेल्टेंसी। इट इज़ द वॉल्यूम चेंज ऑब्जर्व इन ए ग्रेनुलर मेटल व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू शियर डिफॉर्मेशन। इफ द सोइल इज सिल्टी वाटर राइजेज क्विकली टू इट्स सरफेस एंड गिव शाइनी और ग्लिस्टरिंग अपीयर। डायलेटेड वॉल्यूम चेंज ऑब्जर्व इन ए ग्रेनुलर मेटल व्हेन दे आर सब्जेक्ट टू शियर डिफॉर्मेशन। शियर डिफॉर्मेशन के कारण वॉल्यूम में जो चेंज होता है डायलेटेंसी होता है। थैंक यू, सेकेंड पार्ट में करेंगे बाकी का।